नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, कंप्यूटर हिंदी notes.com से। और आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं सेल लॉक फीचर की, जो कि फंक्शन में बहुत यूज होता है। और दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक अमाउंट है और एक रेट है, और यहाँ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटरेस्ट, या हम ये कहें कि 5000 पर 5% कितना होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला जो लगाएंगे, तो हम ये वैल्यू जो है इनटू हमारा 5 डिवाइड बाय 100, तो हमको यहाँ पे जो 250 रुपये है वो मिल रहा है, जो कि 5000 का 5% है। अब अगर मुझे बाकी सब के लिए निकालना है कि 6% के लिए, 7% के लिए, 8% के लिए, 9, 10, इन सब के लिए हमारा इंटरेस्ट क्या होगा या परसेंटेज क्या होगा, हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है। जीरो इसलिए आ रही है कि आप देखोगे कि जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो साथ में जो यहाँ पर रेफरेंस था इस साले सेल का, ये दोनों चेंज होते हैं। तो अगर यहाँ पे वैल्यू लिखी है, एक तरीका तो ये है कि हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो हमारा जो वैल्यू है वो सही हो जाएगी। बट अगर हमको उसको चेंज नहीं करना है, हम चाहते नहीं हैं कि यहाँ पे वैल्यूज दिखना, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा E3 जो सेल है, इसको हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करोगे और F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करने के बाद हमने एंटर किया। अब अगर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आंसर है वो सही आ रहा है। और मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो सेल का रेफरेंस है अमाउंट के लिए, वो फिक्स हो गया है। तो किसी भी सेल पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे सबके लिए अमाउंट जो है वो 5000 यहाँ पे हमने फिक्स करके रखा है। दोस्तों, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने लैपटॉप पे F4 प्रेस करते हो तो हो सकता है कि यहाँ पे सेल लॉक ना हो, क्योंकि लैपटॉप पे फंक्शन की का 2 यूज होता है। तो वहां पर आप अगर सिंपल F4 प्रेस करने पे नहीं हो रहा है, तो Fn के साथ में F4 आप प्रेस करिएगा। या आप वहां पे डॉलर साइन का यूज कर सकते हो, और डॉलर साइन का यूज करके भी आप, जैसे मैंने रखा है $E, $3, तो ये सेल लॉक करने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पर सेल लॉक फीचर का यूज करते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक बोनस टिप मैं आज यहाँ पे दे रहा हूँ एक्सेल में, कि सेल को जो वैल्यू है उसको हिडन कैसे करते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 102, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100+2 का, यहाँ पे देखेंगे कि 200 हो गया। अब ये जो 2 की वैल्यू है, ये हम नहीं चाहते कि यूजर को दिखाना है, यहाँ पे इसको हमें हिडन रखना है। हिडन किसी भी पर्पस के लिए हम रख सकते हैं, तो अगर रखना है तो हम कैसे करेंगे, पर यहाँ पे वैल्यू हमें चाहिए है। तो जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, और फॉर्मेट सेल में यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यहाँ जर्नल पे हम यहाँ पे 3 बार सेमीकोलन लिख देंगे और ओके करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हिडन हो गई है। अब अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ वैल्यू को, तो देखेंगे कि वैल्यू अभी भी वहाँ पे 2 है। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि फंक्शन जहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला बार में, वहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देगी, और आप अगर चेंज करोगे तो भी चेंज होगी, बट वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस तरीके से हम सेल की वैल्यू को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि सेल लॉक फीचर क्या होता है, जो कि हम फंक्शन में यूज़ करते हैं, और सेल की वैल्यू को हिडन कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा एक्सेल की वीडियो बनाऊं जो आपको नहीं मालूम है या नहीं बनता है, तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।